तो फिर हेलो मेरे भाइयों और तुम्हारी होने वाली भैंसियों के भैंसों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ पादमारू गेम प्ले में सालों। लेकिन भाई देखो अब भाई सीन क्या हो रहा है ना यहाँ पर फिलहाल। भाई पूरे दिन कल रात को मैं पूरी रात खेला, आज भी बहुत ज़्यादा खेला और फाइनली एक और आईडी में यहाँ पे अपने कॉन्क्वेस्ट लगा दिया, जिसका प्रूफ मैं आपको कल दे दूंगा। मतलब कि रैंक ला के छोड़ दिया, कल मॉर्निंग में उस आईडी में अपना कॉन्क्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन भाई आज की वीडियो में कोई गेम प्ले नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ कोई गेम प्ले नहीं है। टिप्स एंड ट्रिक आज की वीडियो में होने वाले, कुछ टिप्स एंड ट्रिक जहाँ से आपको एक अच्छा खासा प्लस मिलेगा, बहुत सारे मैं बता चुका हूँ टिप्स एंड ट्रिक। फिर से आज की वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि आपको देखो यहाँ पे मैं खुद कैसे घरों में उतरता हूँ, स्टार्टिंग में फाइट लेता नहीं लेता, रिकॉइल का यूज़ करता हूँ नहीं करता हूँ, नॉर्मल मोड खेलूँ या इवेंट वाला मोड खेलूँ अभी फिलहाल। तो भाई लोग हम सब ने मिलकर फिलहाल जो पेड़ पूछ का है ना, पांच आइडिया तो कर दिया था, एक और आइडिया आज मतलब कि लग गया और कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। टोटल मिलाकर छः आइडियो में तो हमने पेड़ पूछ कर दिया है। देन हमारी खुद की आईडी मिलाकर ऐसे 10 आइडियो के पास में 10-11 आइडियो हो चुके हैं। देन इस सीजन का अपना टारगेट था 20 आइडियो का। देन फिर से मैं 3 आइडिया लेने वाला हूँ, अभी तक ली नहीं, कल मैंने बोला था मैसेज देखने का, एम रियली सॉरी कि मैं मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ, बट कल से फिर से भाई देखो आज मैं पूरा आराम करने वाला हूँ, कल से फिर से 3 आइडिया लूँगा और फिर से स्टार्ट करेंगे रैंक पुश करना। और कुछ ही दिनों में उनमें भी अपन जल्द से जल्द जितना हो ना उतना जल्दी कॉन्क्रीट लगाने का ट्राई करेंगे। बाकी भाई देखो अब जब मैं खुद इतने आइडियो में कॉन्क्रीट लगा रहा हूँ, देन भाई मुझे पता है कैसे खेलना होता है, कैसे प्लस करना होता है। मैं खुद लगा पा रहा हूँ तो आप क्यों नहीं लगा पा रहे हो, सबसे बड़ा रीज़न ये है। तो आप कौन सी गलती करते हो? तो भाई देखो एक तो आप एक गलती करते हो कि आप एक रैंडम के साथ खेलते हो। जब रैंडम के साथ खेलोगे तो भाई थोड़े बहुत गेम खराब जाती है, एक अच्छे खासे बंदे के साथ खेलोगे ना तो अच्छे खासे मतलब कि प्लस मिलते हैं। लेकिन भाई देखो सबसे ज़्यादा ना इंपॉर्टेंट, अगर आप रैंडम के साथ खेलो या टीममेट अच्छा नहीं हो ना तो गलती से भी आप अपना रिकॉइल वेस्ट मत करना। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, किल की लालच में जाते हैं और अपना रिकॉइल वेस्ट कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। और फिर क्या होता है कि गाड़ी लेने के चक्कर में बहुत सारे सीन होते रहते हैं और आपका रिकॉइल होता है ना, अगर आप मर भी जाते हो ना तो वापस रिकॉइल भी हो जाते हो। बहुत बार ऐसा चांस होता है जब आपने रिकॉइल वेस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी होती है और उसी गेम में आपको बहुत बड़ा माइनस भी लगता है। भाई देखो मेरा खुद का टारगेट है ना, मैं छोटे छोटे कंपाउंड में उतरता हूँ। जैसे कि बात रही जॉर्जो के प्लेन के पाथवे की, तो अगर जॉर्जो का प्लेन का पाथवे ना तो मैं स्क्वाड हाउस में उतरूंगा, कंटेनर वाला जो स्क्वाड हाउस है वहाँ पे उतरूंगा, वहाँ से एक दो जो भी बोट आएगा उसका आराम से किल कर लेता हूँ। उसके बाद अगर कोई बंदा भी आता है ना तो उसको मैं मारने नहीं जाता, वो मेरे पे पुश करते तो आराम से वहाँ पे मैं किल भी कर लेता हूँ, 2-3 किल होती है चलो ठीक है। उसके बाद टीममेट भी ऐसा कोई छोटे मोटे कंपाउंड में उतर के सेफ रहता है और जोन जैसे रिकॉल लगता है कि हाँ रिकॉल खत्म होने में 30 सेकंड या फिर 1 मिनट बचा है ना, सीधा एक जोन का एक अच्छा खासा कंपाउंड या तो मैं जाऊंगा या मेरे टीममेट को भेजूंगा। वहाँ पे वो चेक करेगा कि वहाँ पे कोई बंदा है या नहीं है, अगर बंदा है तो मेरा टीममेट फाइट लेगा या फिर वहाँ से भाग लेगा। अगर वहाँ पे मर जाता है ना तो सिंपल सा मैं होल्ड करके रखता हूँ जब तक मेरा टीममेट कंफर्म नहीं करता कि यहाँ पर कोई बंदा है या फिर नहीं है, मरना जो भी होता है ना वो रिकॉल खत्म होने से पहले हम करते हैं। और जब मान के चलो हाँ भाई कंफर्म हो गए उस कंपाउंड में कोई बंदा नहीं, हम सेफली पहुंच गया, तो जैसे मेरा टीममेट वहाँ पे सेफ होगा तब मैं खुद ना ओपन में जाके उस वाले कंपाउंड में जाऊँगा, तब तक मैं सेफ रहूँगा। मतलब कि टोटल मिलाकर यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग में माइनस लगने का चांस पूरा का पूरा 0% होता है, 0% का। अगर हम पे कोई बंदा फाइट लेता तो टीममेट को बोलता तू सेफ रहे जब तक मैं इस बंदे को नहीं मारता हूँ तब तक। आपको भी ये वाली ट्रिक यूज़ लेनी है, रिकॉइल का सही से यार यूज़ करो, इतना अच्छा रिकॉइल का दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं कि आप रिकॉल दिया हुआ है इसका मतलब कहीं पे भी जा रहे हो घुस रहे हो, आपका टीममेट कहीं फाइट ले रहा है आप कहीं और फाइट ले रहे हो। देखो सबसे बड़ी बात है कि आपको अलग अलग कंपाउंड में उतरना है और भाई देखो मैंने जैसे बताया ये वाला ट्रिक यूज़ करना, और अगर सेंटर भी पकड़ते हो ना तो भाई आपको थोड़ा बहुत फाइट लेना भी आना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा खासा प्लस मिलेगा। अब भाई यहाँ पर आपको मैं जो टिप्स दे रहा हूँ ना ये आपको मैं कोई ऐसा कोई उल्टी वुल्टी हर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने एक्सपीरियंस किया, फील किया, रियलाइज़ किया तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई लोग फिलहाल रही एंड तक आपको कितने स्टार पर कॉन्क्वेस्ट का टाइटल मिलेगा, तो भाई देखो ज़्यादा नहीं जाएगा, मान के चलो 5800 पॉइंट मैक्सिमम जाएगा, इससे ज़्यादा 100% गारंटी है नहीं जा सकता, 50 पॉइंट 100 पॉइंट जा सकता है लेकिन 5800 पॉइंट का आपको टारगेट रखना है 5800 का। देन सोलो में मान के चलो 5700 पॉइंट के आसपास, 5700 से 5700 पॉइंट के आसपास, इतना भी नहीं जाएगा बट इतना मतलब कि टारगेट लेके चलना है आपको। अब इसके रिलेटेड कुछ और भी अपडेट निकलेने की ज़्यादा जा सकता है या फिर थोड़ा कम रहेगा तो मैं अलग से एक और वीडियो डाल दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना टारगेट लेके चलना है एंड तक। और हाँ भाई यहाँ पर आपको मैं एक बात कन्फर्म करता हूँ, कुछ बंदे ऐसे हैं ना जो फिलहाल क्या सीन कर रहे हैं ना, नॉर्मल मोड खेल रहे हैं और एक अच्छा खासा माइनस भी खा रहे हैं। देन आपको हो सके ना नॉर्मल मोड को अवॉइड करो। अब मुझे पता है इवेंट में इतना प्लस नहीं मिलता बट जितना भी मिलता है ना उतना इनफ है यार, इतना अगर आप प्लस ले लेते हो दिन का 100-150 का प्लस भाई काफ़ी होता है यार, आराम से एक अच्छा खासा प्लस लोगे। अगर आप चिकन निकालते हो तो अच्छा प्लस मिलता है, टॉप 2 पर अच्छा प्लस मिलता है, अगर अच्छे खासे केल करोगे तो एक अच्छा खासा प्लस मिलता ही मिलता है भाई, इस चीज़ को आप समझ लो। बाकी भाई आज की तारीख में कॉन्करर का टाइटल डुओ में मिलने वाला है 5500, 50 या 60 पॉइंट तक, 60 पॉइंट मान के चलो,
5560 पॉइंट इतने लगाओगे ना तो कॉन्करर का टाइटल आराम से आपको मिल जाएगा। बाकी भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप रैंक पुश करते हो तो किल फीड देखना। किल फीड में हमेशा एक बंदे की नज़र रखना कि कौन सा किल फीड कितनी बार आ रहा है, कितना रिपीट हो रहा है। लगता है ज़्यादा रिपीट हो रहा है मतलब वो हैकर है, देन आपको जॉन के एज पर खेलना है। और किसी बंदे का हर 20 सेकंड में एक बार किल फीड आ रहा है ना तो मतलब समझ जाना कि फ्लैश हैकर है। तब आपको कैसे खेलना कि पूरे जोन के बाहर और दोनों में बहुत ज़्यादा बंदों में डिस्टेंस रखना। क्या करता है फ्लैश हैकर आपको बताए, एक बंदे को नॉक करेगा, ऐसा नहीं उसको फिनिश कभी नहीं करता फ्लैश हैकर, नॉक करेगा फिर दूसरे बंदे को मारने जाएगा, ये ऐसा ही करता है फ्लैश हैकर, या फिर ब्लीड आउट होकर मरने देता ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा किल हो। ये मत सोचना कि फ्लैश हैकर मार दिया मेरा टीममेट बहुत दूर है कोई ना मार देगा, तो ये मत करना, ये ऐसा गलती से मत सोचना। फ्लैश हैकर कुछ और ही ट्रिक लगाता ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा किल हो और एक अच्छे खासे मतलब कि प्लस ले पाए। बाकी भाई देखो हैकर बहुत आ रहे हैं, बैन भी हो रहे हैं, जिनका अपन कुछ भी नहीं कर सकते यार, लेकिन भाई आपको आराम से खेलना है, जितना हो सके प्लस करना है। बाकी भाई देखो फिलहाल अगर आप एस पर हो ना तो दिन का 200 प्लस करो, एस मास्टर पे हो 150 का प्लस कर लो काफ़ी है, अगर एस डोमिनेटर पे हो ना 100 का प्लस कर लो काफ़ी है भाई, अगर 5300 पॉइंट है ना तो 50 का भी प्लस करते हो तो भी काफ़ी है। अब भाई देखो कल की तारीख में 30 तक पॉइंट मिल रहा था, 5530 तक कॉन्करर का टाइटल मिल रहा था ना, आज की तारीख में 5560 पॉइंट पर कॉन्करर का टाइटल मिल रहा है। ज़्यादा मतलब कि पॉइंट नहीं बढ़ रहे, देन आराम से आप कॉन्करर का टाइटल लगा लोगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब फिलहाल अगर 12 बजे तक 300 तक रैंक जाती है ना तो 100% आप श्योर हो जाना कि उस दिन आपको कॉन्करर का टाइटल मिलकर ही रहेगा। बाकी भाई फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर रखा हो।